ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोल भागवत भगवान की जय। शास्त्र को एक तुच्छ मानते हैं और कहते हैं कि इन्हें पढ़ना, इन्हें समझना व्यर्थ है, उनका पालन करना। भगवान ने पूरी मनुष्य जाति के लिए ये वेद बनाए हैं। ब्रह्मा वेद बनाइए चार मुखों से चार, धर्म कर्म संसार में लिख दी ना बेवार। इस वेद में सब कुछ समाया है, ऐसा कुछ नहीं है जो इस वेद में नहीं है। जो वैज्ञानिक बने हैं ये वेद इस शास्त्र से बने हैं। जो टेक्नोलॉजी बनी है, हिंदुस्तान हो चाहे पूरा एशिया की बात हो, सब वेद से ही है। एक वेद ही भगवान है, वेद से ही पंचांग है, वेद से ही सब कुछ है। कोई भगवान के घर से नहीं आया है। इस वेद में हर बात का निचोड़ है, हर बीमारी का इस वेद में तोड़ है। पढ़े ना पढ़े आपकी मर्जी, समझो मत समझो आपकी मर्जी, लेकिन वेद है तो हम हैं। कई बीमारी भारत में ऐसी आई है जो वेदों ने उसे चकना चूर कर दिया है। ये मूर्ख व्यक्ति की सोच होती है जो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत पढ़ना बेकार है, रामायण पढ़ना बेकार है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग को नहीं तो इस सृष्टि पर तल विश्राम होता है और उन्हें मृत्यु के बाद नरक में भी जगह नहीं मिलती है। वो एक धरती का बोझ बनकर रह जाते हैं, जन्म जन्मान तक उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। जो धर्म में टांग अड़ाते हैं, धर्म की निंदा करते हैं, उस परमात्मा का, उस करुणानिधान जो सबका पालन पोषण करता है, उसकी निंदा करते हैं। मनुष्य जब गर्भ में रहता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा मैं तेरा भजन भक्ति भाव सब करूंगा, एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दे। और गर्भ मास में भक्ति कबूलता है और बाहर आते ही सब शुद्ध भूलता है। ये मनुष्य की लीला है। अपने आप को ही स्वयं भगवान समझने लग जाता है और जब उसकी टांग टूट जाए, जब कोई बीमारी हो जाए तो परमात्मा को याद करता है। तो सुख में याद करो दुख का एक होगा, सुख में सुमरण सब करे, जो सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एक हो। जो सुख में सुमरण करता है उसकी परमात्मा हमेशा लाज रखता है। वेद जो हैं वही भगवान हैं। आज वेदों से ही हवाई जहाज उड़ रहे हैं, आज वेदों से ही समुद्र में पुल बनाए जा रहे हैं और वेदों से ही हर बीमारी का नष्ट कर रहे हैं। वैज्ञानिक को कैसे मालूम कौन सी तिथि को कितनी बजे ग्रहण पड़ेगा और ग्रहण इतनी बजे से स्टार्ट होगा और इतनी बजे खत्म हो जाएगा। ये हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारा जो वेद है वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी ऐसी वला या ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ घट रही है और घटेगी। वही शास्त्री आचारी पंडित लोग बताते हैं। यहाँ कोई भगवान नहीं, भगवान सिर्फ है तो एक वेद है। जो वेद एक भगवान का रूप है, उस वेद में ही धर्म छुपा है, उस वेद में ही पाप छुपा है, उस वेद में ही कर्म छुपा है, उस वेद में ही नष्ट छुपा है, उस वेद में ही एक उजियाला एक अंधेरा सब कुछ उस वेद में ही। आप पढ़ते हैं सुनते हैं उसका पालन करते हैं, लेकिन उसे मानते कितना है। हिंदू धर्म में जहां तक की बात करता हूं मैं, तो ज्यादातर लोग गुटखा सुपारी खाकर मंदिर में जाते हैं। ये धर्म नहीं है, ये पाप।
और धर्मों में ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति ये कचरा मुंह में घुसेड़कर चला जाए उसे मंदिर से बेइज्जत कर बाहर निकाल जाता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपकी नजर में अगर वेद श्रीमद् भागवत रामचरितमानस भागवत गीता स्कंद पुराण मार्कंड पुराण गरुड़ पुराण ये सब व्यर्थ हैं, तो भाई सत्य क्या है? सत्य क्या है? आपके लिए परियों का नित्य होना चाहिए, आपके लिए आपकी इच्छाओं का जो भी आप करना चाहते हैं वहां पूर्ति होना चाहिए। आपकी नजर में क्या सत्य है और क्या असत्य नहीं है, एक दिन आपको सब हिसाब चुकता करना होगा। मेरी बात बुरी लगे तो तीन बार लगे साहब, मैं तो एक वक्ता हूं और आप श्रोता हूं, और जो प्रेम से बात को सुनता है वही सच्चा श्रोता है, उसके चरणों में मेरा भी तहे दिल से नमस्कार है और साष्टांग प्रणाम है। जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान की लीलाओं को सुनता है, उसका इस सृष्टि पर उद्धार है, वो बेतरणी में तर जाएगा। भगवान उसके लिए गौ भेज देंगे, उसकी पूंछ पकड़ उस बेतरणी नदी में से वो पार लग जाएगा। और जो धर्म की निंदा करता है, शास्त्र की निंदा करता है, उसे यहीं भटकना पड़ेगा। मल मूत्र में कीड़े की नाली जो होती है उसमें पा रहेगा। राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।